ये आप तक ऐसा स्टूडेंट मैंने देखा नहीं कभी। ये कहाँ से लाए हो? हम गए थे। कहाँ? लखना मैया। क्यों? अब जाते हैं गए थे। किसकी? सभी जानते हैं कि जात होती है, लेकिन इसका भी टाइम होता है। अभी तक कमाई जात नहीं हुई, मैं तो थक रहा हूँ। महिला गुड्डुआ की और गुड्डुआ की अम्मा की। इसमें गुड्डू कहाँ से आगे? तुम्हारे तो लड़का अगर है, उसके नाम भी अगर है। यही के है क्या? इसकी विशेषता बताइए। अच्छा, नीचे ता के ऊपर स्प्रे और ता के ऊपर मरमर को कपड़ा। अच्छा, आखिरी अगर कर रैया बैठो गए और जोले भोले बाबा को टेलो यहाँ पर बैठ जाइए। तस्मै श्री गुरवे नमः। जय 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 गिरिजाश्वर। मोबाइल नंबर हो जा रही हो 84 39 88 3 20। लाखों जन की लाज, अरे मात भरोसो तो भारी। आज सभा के बीच में सोलाज रख ले ज्यादा सुनाई दे रहा है। मैंने कहा कि महारानी और तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी नानी क्या भाई? कहेंगे बैठ जाइए सीमंत पर। और क्या जैसे मन न करे। अच्छा, तो बड़ा ऑर्डर दे दूंगा, बैठ जाइए। नहीं तो नंबर क्या कह रहा है कि कुटिया चली बाजार? बताओ कितना सच बोल रहा है।
कितने दिन हो गए ने आते आते तुमने की झूठो सांच नहीं समझ पाई। कह रहे हैं कि कुटिया चली बाजार को बांध गले में और गले में जब पूछत पड़े के खाता नहीं होके कुटिया बाजार में जाती कबे लू कहीं के कुटिया मैंने तो कुटिया कुटिया अब कहीं कुटिया आप कह रहे नहीं पहले तो कुटिया बोल रहा था ना मैं कहीं क्या कह रहा कुटिया सरकारी कुटिया राम की अच्छा सरपंच ने की जो एक पंच भीतर भोजो सुखी रंजन पड़ेगी तो अच्छे अच्छे ठीक बोले और क्या है कहिया महान खोलिए क्या कहा तुमने कि हीरा बहाना चाहिए हीरा माना खोलिए यहाँ कुछ नहीं किया अच्छा मोल तो जाने नहीं बात बात निशान के कार्य कैसे कर लो हाँ तो इतने होशियार हो हम होशियार थोड़े हम तुम्हें क्या बोले थे तुमने फोन किया था तो हम तुमसे सबसे पहले क्या बोले थे कि चाहने में मैं नहीं जाऊंगा बोले थे ना क्यों बोले थे क्यों यहाँ पर चप्पी में आया हूँ तब साउंड नहीं को बोलनी है तब भी नहीं इसीलिए हमें इस गांव से मैंने आपको बोला था सामने खड़े हैं कि मैं वहां नहीं जाऊंगा क्योंकि कलाकार कितना भी अच्छा हो अगर साउंड सही नहीं है तो उसका सम्मान नहीं अपमान ही होगा लेकिन वही हुआ लेकिन फिर भी ऐसा जो चल रहा है अगर ऐसे ही चलता रहा फिर भी ठीक है कोई बात नहीं नाबू ऐसे ना करे क्यों मोबाइल तो बिंद्रापन बसी बजी बिंद्रापन बसैया की तारीफ क्या करे मुरलिया मुरलीधर भैया की दो जहां में काम चलता था आरती और कमानों से वहां विजय होती थी नटवर की मुरली की तारों से दौड़ा दे तू बड़ी भागनी दौड़ा दे तू बड़ी भागनी कौन तपस्या की अरे तीनों लोग के तार तरन सोतों में आ तो कहना है किसी ने लिखा है कभी ने के बोली एक अमोल है दो बोली एक अमोल है अरे बोल सके तो बोल अरे ये तराजू तोड़ के तंबू के बाहर संसार में अगर आए हो मेरा तो ये कहना है कि मैं इस गाँव में आऊं या ना आऊं कभी किसी से झगड़ा करने तो नहीं होना चाहिए ना है मेरा ना है तेरा ये तो सिर्फ चिड़िया रेल बसेरा है सभी लोग हमारे जितने मूल निवासी हैं मिलजुल के ही है तो फिर किसी ने क्या कहा है मास्टर जी के बोली ऐसी बोलियो अरे जिस बोली में ढंग अरे ऐसे तो बोले पशु जामे नारस बोले का दरवाजा एक है लेकिन बोलियों की कोई गिनती नहीं है सी जवाब अच्छे से बोलो अच्छे से खराब हर आदमी से ज्यादा भी मैं चाहता हूँ ये कहता हूँ कि भैया सबसे मिलजुल के रहिएगा ये दो चार दिन का मेला है भाई कहना है कि बाजी बेर बाज अरे धूम के नगारे साज ओरे बाजी बेर गोदार खेत बोले आज कितने सौभाग्य की बात है कि हम
हमारे भक्तों के रूप में हमारे छोटे बड़े भाई सभी भक्त लोग बैठे हुए हैं, तो ये भी एक अवसर होता है समय का। तो आज यहाँ ढोल और नगाड़े बज रहे हैं, तो बाजी बेर बाजत धूम के नगाड़े साज और बाजी बेर कर कुटार खेत बोल खड़िए रे। और क्या है बाजी बेर ओढ़े देखो सारे और तो सारे है और ये बाजी बेर कमर पे टू के ओढ़ो समय आ जाए कि आज वस्त्र है कल हमें कहीं बड़े पुराणों से गुजर करना पड़े। तो कहना है कि बाजी बेर स्वाभाविक हुकुम हार हासिल होते हैं, तो बाजी बेर बाजर के लाख हो गए। बाजी बेर स्वाभाविक हुकुम हार हासिल होते बाजी बेर बाजर के लाखों बेर सही रहे। बाजी किसको कहते हैं बाजी माचर भी उसको कहते हैं। तुम जाना तो हमने तुमसे कहीं और बता तुम कहने क्या बताए तो जहाँ कमर रखे होते हो तो पीछे हट जाओ। जहाँ तुम्हारी बात का सम्मान हो वहां पे बात कहना चाहिए, अगर बात का अपमान हो तो वहां बात नहीं कहना चाहिए। तो बाजी बेर स्वाभाविक जो महान हासिल होते है तो बाजी बेर बाजी के लाखों फेर सही रहे। अगर कमर फंस जाए तो उनसे बहस मत करो, तुरंत अपनी रास्ता पकड़ लो। तो आइए कंठ में राग आए राग मन में राग अरे राम के नाम में जा सब दे सोनी। तो मास्टर जी टाइम देते हुए अब ज्यादा नहीं हे मास्टर तुम बुलाओ, ये हमारे कहने से तो आएगा नहीं कि सोचेगा कि पटेंगे साथ हो सकता है तुम्हारे कहने से कहाँ जा रहा है दत्तो आप आगे चलिए हो बच्चे का देखिए ध्यान दीजिएगा 50 रुपए राकेश चांदो निवासी, 100 रुपए राम बाबू दुकान वाले चांदो निवासी, 50 रुपए छोटे लाल चांदो निवासी, 210 रुपए प्रमोद पदमपुरा वासी, 50 रुपए मुरली खुतेपुरवा
₹100 नन्नी लाल चांदो निवासी, ₹50 रामचंद्र चांदो निवासी, ₹200 राम बाबू जोत, ₹100 फूल सिंह चांदो निवासी। धन्यवाद। भूपा ओ ओ भूपा तो भूत कहो गए मौसे बुलावा की आगे बढ़ाओ बढ़ो जी आगे का भैया तो तुमने यार खाम खाम मैया हेलो और
हेलो हेलो और क्या है अरे यार तो Thank you.
से पा रहे हैं। तीन चार ही फरक है। आठ खंड नौ दरवाजे चाह पहला जोत चले नारी और क्या है राजमंत्री सुनेगा कहना है आप आए भरत भक्त की गाथा में तो कहू सभा और छोटे का नाम था प्रियवत।
माता जी का नाम था शत्रुपा, पिताजी का नाम था स्वांद मनु, यानी स्वांद मनु शत्रुपा के लिए बालक थे। जिसको अकीना हो तो ध्रुव की किताब उठा के सुबह देख लेना। उस समय महाराज प्रिय बच्चों नारद का उपदेश हुआ था, उन्होंने अपने भाई और तानपाल से कहा कि मैं राज तिलक तुम्हें देता हूं, आप अवध का राज चलाइए और हम भगवान का भजन करेंगे, बन में जा रहा हूं। प्रिय बन में चले जाते हैं और तानपाल अयोध्या नरेश हो जाते हैं। आइएगा महाराज उत्तानपाल कैसे राज को चलाते थे, प्रजा को क्या समझते थे, कैसे समान पुत्र के समान वारसन दिया करते थे, सुनिएगा। महाराज उत्तानपाल की पहली विभाता का नाम था महारानी सुनेती, लेकिन राजमंत्री धन गौरव की कोई कमी नहीं थी, लेकिन महाराज सिर्फ दुखी थे। महाराज और महारानी वो क्यों, किस लिए, सुनेगा। श्री विकास मोरी निवासी हमारे कन्या माता
का तो बिजोरा बुरका फिर रहे हैं और कह रहे हैं कनाला उठाइए ये बेदना तेरी नजर है नियारी और जगे भयोना लाला We'll be right back.
जा सकते हो। हाँ,